बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 24 अप्रैल 2018 से नागपुर के बेजनगा बाग ग्राउंड से यह परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। 3 जून 2018 को पुणे शहर में रैली का समारोह होगा और लगभग 42 दिन तक यह परिवर्तन यात्रा 36 जिलों से गुजरेगी और 367 तहसीलों से गुजरेगी। इस तरह की योजना इस परिवर्तन यात्रा में बनाई गई है। इस परिवर्तन यात्रा में लोगों को सहभागी कराने के लिए एक और योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत मूल निवासी बहुजन समाज के जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर यदि कोई छोटे छोटे संगठन है, वो छोटे छोटे संगठन उन संगठनाओं को भी इकट्ठा करने का अभियान इस परिवर्तन यात्रा के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारा पहले ये थ्रस्ट हुआ करता था कि हम लोगों को इकट्ठा करने का काम करें। लोगों को इकट्ठा करने का काम हमने बंद नहीं किया, उसे चालू ही रखा, मगर इसके अलावा समाज में जो छोटे छोटे संगठन है, मध्यम संगठन है, और अगर वो तहसील में है, ब्लॉक में है, गांव में है, जिले में है, तो उन संगठनाओं को भी इकट्ठा करने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा एक प्लेटफॉर्म है। हमारी कोशिश ये है कि जो देश में परिस्थिति निर्माण हुई है, उस परिस्थिति को समझना होगा। बहुतांश लोगों को उस परिस्थिति की जानकारी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था में कौन सा बदलाव आया है इसके बारे में कोई जानकारी लोगों को नहीं है, क्योंकि मीडिया के द्वारा उसके बारे में लोगों को जगाने का कोई काम हो नहीं रहा है। इसलिए मैं पहले तो आपको जो व्यवस्था में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान भारत में लागू हुआ, तो लागू होने के बाद में भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और भारत के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया, और उन्होंने संसद पर कब्जा करने के बाद जो कानून बनाए, ऐसे कानून उन्होंने बनाए जिसका नतीजा, जिसका परिणाम ये हुआ कि 3.5% ब्राह्मणों के 5 नेशनल लेवल की पार्टियां भारत में आज हो गई है। कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी, भंडारा के कुनबी जाति के या पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये तो कांग्रेस तो बहुजन समाज की पार्टी है, ऐसा भ्रम जो है वो लोगों के अंदर पैदा किया गया। कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने की। केवल ऐसा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कोशिश की कि ये संगठन उनके नियंत्रण में बना रहे,
ना केवल उनके नियंत्रण में बना रहे बल्कि ब्राह्मणवाद की नीतियां इनडायरेक्ट वे में सत्ता पर काबिज होने के बाद में लागू होती रहे, ये खबरदारी उन्होंने ली। तो आज कांग्रेस जो ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी है वो आज भी 6.5 लाख गांव की पार्टी है। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये विदेशी जनता ने बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी है। ये भी हम लोगों को समझ में नहीं आता, मगर समझ में आए इसीलिए बता रहा हूं। सब ये भारतीय जनता पार्टी का पहला नाम जनसंघ था, और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया जनता पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी बनाया तो पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी ब्राह्मणों की पार्टी। तीसरी ब्राह्मणों की पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे नाम के ब्राह्मण ने बनाई, वो भी कोकनस्थ ब्राह्मण था। चौथी ब्राह्मणों की पार्टी ईएमएस नंबुद्री पाद, एक केरला का कोस्टल एरिया का कोंकण, केरला के कोकन एरिया का ब्राह्मण था, नंबुद्री ब्राह्मण था, यानी केरला में जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता है वो नंबुद्री, जो पहला शंकराचार्य पैदा हुआ था वो इसी नंबुद्री ब्राह्मण में पैदा हुआ था। तो ये चौथी नेशनल पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों ने बनाई। अभी पिछले साल अक्टूबर महीने में तृणमूल कांग्रेस को चुनाव आयोग ने 5वीं ब्राह्मणों की नेशनल पार्टी के तौर पर मान्यता दी। मैं ये डाटा इसलिए आपको बता रहा हूं कि भारत का कोई भी अखबार ये डाटा आपको बताने वाला नहीं है। एक तो ये रिसर्च हमारा है, ये पेटेंट हमारा है। पेटेंट का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जानकारी हमने रिसर्च की है, ये हमारा अपना डाटा है, इसलिए हमारा पेटेंट चलता है। तीसरी बात ये है कि आज इन्हीं 5 नेशनल पार्टियों का राज है। कांग्रेस जाती तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती तो कांग्रेस आती है। यानी नागनाथ गया तो सापनाथ आ जाता है, सापनाथ गया तो नागनाथ आ जाता है, नागनाथ दस ले तो भी मरना तय है, सापनाथ दस ले तो भी मरना तय है, यानी हमारे हिस्से में मरना तय है। कोई घंटे भरे में मरेगा तो कोई 24 घंटे में मरेगा, जिसका 20 कम ज्यादा होगा तो घंटे का फर्क पड़ेगा, मरना तय है। तो दूसरी भयंकर बात क्या है इस संबंध में, कांग्रेस जाती तो बीजेपी आती, बीजेपी जाती तो कांग्रेस आती है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान सभा को संविधान सुपुर्द किया था तो उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बाइपोलर सिस्टम होना चाहिए। बाइपोलर का अंग्रेजी शब्द है, बाइपोलर का मतलब है द्विदलीय सांसदीय प्रणाली होनी चाहिए। अगर एक दल राज्य कर रहा है, अगर उनकी सत्ता है, तो दूसरा दल विरोधी पार्टी की भूमिका का निर्वहन करे। यदि एक दल ब्राह्मणों का है तो दूसरा दल यदि ब्राह्मणों का ही है तो विरोधी पार्टी नहीं हो सकती। अगर सत्ताधारी दल ब्राह्मणों का है और विरोधी दल भी ब्राह्मणों का है तो विरोधी पार्टी वजूद में नहीं है। मगर हम सब लोगों को भ्रम है कि विरोधी पार्टी तो कांग्रेस है।
एक ब्राह्मण का दूसरा ब्राह्मण विरोधी कैसे हो सकता है? वो ऐसा कहते हैं कि है। अभी गुजरात का उदाहरण आपको देता हूं। गुजरात में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी एक भी मंदिर में नहीं गया, राहुल गांधी 22 मंदिर में जाके दर्शन किया और अखबार वालों ने लिखा कि कांग्रेस जो है ये स्वाफ्ट हिंदुत्व को मानती है। यानी कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के लोग हिंदुत्व को मानते हैं, ये उसकी ठेकेदारी थोड़ी है, हम भी हिंदुत्व मानते हैं। उन्होंने कहा हम भी हिंदुत्व को मानते हैं, तो कांग्रेस का हिंदुत्व कैसे है? तो उनका कहना है सॉफ्ट है। और बीजेपी का हिंदुत्व कैसा है? तो कांग्रेस वाले बोलते हार्ड है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। मैंने अहमदाबाद में मुस्लिम जो 50,000 इकट्ठा हुए थे तो वहां मैंने उदाहरण दिया, उदाहरण आपको देता हूं कि बीजेपी वाले मुसलमानों को काटते हैं तो झटके से काटते, एक झटके में खत्म, दैट इज हार्ड हिंदुत्व। और कांग्रेस वाले भी काटते हैं मगर थोड़ा धीरे धीरे काटते, धीरे धीरे काटते, और फिर मौलाना को पूछते हैं, मौलाना दर्द तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा धीरे से काटो क्या है? थोड़ा और थोड़ा रुक कर काटू, थोड़ा दर्द थोड़ा सा कम करके काटू। काटना तय है, काटना नहीं छोड़ सकता, काटना पड़ेगा, मगर सॉफ्ट हिंदुत्व है ना, इसलिए अभी हिंदुत्व है तो काटना ही पड़ेगा, मगर थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे काटना पड़ेगा। मैं ये काटने के लिए उदाहरण दे दिया मैंने उधर अहमदाबाद में, आपको भी बताता हूं कि एक बार मुर्गियों का सम्मेलन हुआ था। मुर्गियों का सम्मेलन मुर्गियों को काटकर खाने वाले लोगों ने आयोजित किया था, और काटकर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों को बताया कि भाई आपको अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करना है। तो मुर्गियों ने पूछा कौन सा प्रस्ताव पारित करना है, तो कहा आपको कौन से मसाले में तलना है ये आपको बताना है। तो 10-12 मुर्गियां इकट्ठा हुई और आपस में सलाह मशवरा करने लगी। एक मुर्गी दूसरे मुर्गी को कहा कि इसका मतलब है काटना तय हो गया है। दूसरी मुर्गी ने कहा कि कोई उपाय नहीं है कि हमको काटा ही ना जाए। तीसरी मुर्गी ने कहा कि हाँ एक उपाय है। क्या उपाय है? 11 मुर्गियों का डेलीगेशन बनाना पड़ेगा और काटकर खाने वाले के पास जाना पड़ेगा। तो 11 मुर्गियां इकट्ठा हो गई और इकट्ठा होकर 11 मुर्गियों का डेलीगेशन काटकर खाने वाले के पास गया और कहने लगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें काटा ही ना जाए। मुर्गियों ने काटकर खाने वाले लोगों को कहा, तो काटकर खाने वाले लोगों ने कहा काटने का निर्णय पहले ही हो चुका है, काटने का निर्णय पहले ही हो चुका है, अब केवल इतना बाकी है कि कौन से मसाले में तलना है यही एक फैसला करना बाकी है, बाकी काटने का तो फैसला हो चुका है। तो चाहे हार्ड हिंदुत्व हो चाहे सॉफ्ट हिंदुत्व हो, काटने का फैसला तो हो चुका है। काटने का फैसला हो चुका, जिसको काटना है उसको पूछा भी नहीं, तेरे को हम काटे क्या? नहीं नहीं, उसको क्यों पूछने का, उसको तो हमको काटने का है, अगर हम पूछेंगे तो थोड़ी वो काटने के लिए राजी होगा। तो इसलिए उसको पूछे बगैर ही उसको काटने का, तो इसका मतलब ये है कि ये हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व जो है ये लोगों का काटने का फैसला हो चुका है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में एक ब्राह्मण जाएगा सत्ता से और दूसरा ब्राह्मण आ जाएगा,
एक ब्राह्मण सत्ता में है, एक ब्राह्मण विरोधी पार्टी में है। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, बहुत सारी फिल्में देखी होगी, तो फिल्मों में एक नायक होता है, फिल्मों में एक खलनायक होता है। मान लो फिल्म में धर्मेंद्र नायक है और प्राण जो है खलनायक है, तो धर्मेंद्र प्राण को ऐसा मुक्का मारता है, ऐसा मारता है, तो यहां आकर वो रुक जाता है। मगर प्राण ऐसा करता है कि उसको बहुत जोर से लग गया है, ऐसा नौटंकी करता है, नाटक करता है, और वो जो शॉट लेने वाला आदमी है वो फिल्म बना लेता है, तो प्राण गिर जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, खड़ा होके वो भी धर्मेंद्र को मारता है, तो धर्मेंद्र भी गिरता है। और वो सारा सीन खत्म होने के बाद दोनों कुर्सियों पर बैठते हैं और चाय पीते हैं। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, नौटंकी ना है ये कांग्रेस और बीजेपी की है, ऐसी नौटंकी है। और बीजेपी कहती कांग्रेस हमारी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस कहती बीजेपी हमारी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी का प्रचार करती है, बीजेपी कांग्रेस का प्रचार करती है, बीजेपी कहती है कि ये झूठे धर्मनिरपेक्षवादी लोग है, और कांग्रेस कहती है सांप्रदायिक है, तो दोनों आपस में प्रचार करते हैं, कांग्रेस बीजेपी का, बीजेपी कांग्रेस का। तो एक सत्ता से, एक सत्ता में जाती है, एक सत्ता से बाहर रहती है, और दोनों के दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी समझदारी से काम करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते थे कि सांसदीय जनतंत्र सफल होने के लिए द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र होना चाहिए और एक दल सत्ताधारी होना चाहिए, तो दूसरा दल वास्तविक रूप से विरोधी होना चाहिए, और विरोधी होने के लिए शर्त यह है कि सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा अलग हो और विरोधी पार्टी की विचारधारा अलग हो, मगर कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा दोनों की हिंदुत्व है, और हिंदुत्व ये दिखाने का चेहरा है, वास्तविक चेहरा ब्राह्मणत्व है, वास्तविक चेहरा ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणिज्म है, मगर ब्राह्मणिज्म के नाम पर वोट नहीं मिल सकते हैं। हिंदुत्व के नाम पर जो एससी एसटी ओबीसी जो अपने को हिंदू कहते हैं उन लोगों के वोट हासिल किए जा सकते हैं, उनको मूर्ख, उनको गधा बनाया जा सकता है, उनके वोट हासिल किए जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने, ब्राह्मणवादी लोगों ने प्रचार के लिए हिंदुत्व शब्द का ढाल धारण किया है। मैं मौलिक रूप से जो भयानक परिवर्तन आया है, पहले तो अकेले कांग्रेस का राज होता था, अब अकेले कांग्रेस का राज होता था तो अकेले पार्टी का राज होता था, तो अब बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, जैसे 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो 2004 में कांग्रेस, 2009 में कांग्रेस बनी, 2014 में बीजेपी आ गई। इसका मतलब है कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, तब ए नाम का ब्राह्मण जाएगा तो बी नाम का ब्राह्मण आ जाएगा। यानी व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है वो आप लोगों को मौलिक रूप से मैं बता रहा हूं। आप ए नाम के आज के तारीख में गुलाम है, जब बी नाम का ब्राह्मण आएगा तो बी नाम के ब्राह्मण के गुलाम हो जाओगे, तो सत्ताधारी जाति में परिवर्तन नहीं होगा, सत्ताधारी पार्टी में परिवर्तन होगा, सत्ताधारी जाति में परिवर्तन नहीं होगा। एक ब्राह्मण जाएगा, दूसरा ब्राह्मण आएगा, तो ब्राह्मण नाम के जाति की डिक्टेटरशिप स्थापित हो गई है। ब्राह्मण लोगों का नियंत्रण स्थापित होने की वजह से द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र, ये आभासी जनतंत्र, बायपोलर सिस्टम स्थापित हो गया, मगर ये सिंगल पोलर सिस्टम है ब्राह्मणों का, ये डबल नहीं है, क्योंकि ये सिंगल पोल है ब्राह्मण। क्योंकि अगर अपोजिशन में शूद्रों की पार्टी होती और रूलिंग में ब्राह्मणों की पार्टी होती तो माना जाता कि हाँ ये बायपोलर सिस्टम है, ये विचारधारा के आधार पर भी अलग है और सामाजिक संरचना के आधार पर भी शूद्र ब्राह्मणों के विरोधी है, ब्राह्मण शूद्रों के विरोधी है।
व्यवस्था के अंतर्गत विरोधी है, मगर हुआ ये कि एक ब्राह्मण का विरोधी दूसरा ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण का विरोधी पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण का विरोधी ब्राह्मण हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों के हित एक है, दोनों के फायदे एक है, दोनों की विचारधारा एक है। अगर दोनों की विचारधारा एक है तो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का विरोधी नहीं हो सकता, मगर हमें अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि बीजेपी का विरोधी कांग्रेस है। तो जब चुनाव आता है तो हम क्या सोचते हैं कि बीजेपी को हरवाना है, ऐसा अगर वोटर को लगता है तो हम लोग कांग्रेस को चुनते। ये जो परिस्थिति में बदलाव आया इससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसान की आत्महत्या ये नहीं होती थी, ये आत्महत्या बंद ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इस वजह से ये जो बाइपोलर सिस्टम है ये वास्तव में सिंगल पोलर सिस्टम है, और ये ब्राह्मणों की व्यवस्था पर काबिज हो गए हैं, कब्जा कर लिया है। और सारा कब्जा जब उन्होंने कर लिया, ब्राह्मणों ने सारा कब्जा कर लिया, तो उनको क्या लगता है, ठीक है ओके ठीक है, बीजेपी को क्या लगता है, चलो ठीक है आप नाराज हो हमसे, हमसे नाराज हो ना, चलो ठीक है फिर हमको परास्त करना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा ना, कांग्रेस को लाए बगैर हमको तो परास्त नहीं कर सकते, कांग्रेस को लाओगे तो ही परास्त कर सकते हो, चलो ठीक है कांग्रेस को लाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस के राज में भी किसान आत्महत्या करते थे, बीजेपी के राज में भी किसान आत्महत्या करते हैं। कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया, रिजर्वेशन खत्म किया, बीजेपी ने प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम जारी रखा और रिजर्वेशन खत्म कर रहा है। कांग्रेस ने आउटसोर्सिंग से आदमी भरना शुरू कर दिया, बीजेपी ने भी आउटसोर्सिंग से आदमी भरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के जो लोग हैं वो रिजर्वेशन को नॉन इंप्लीमेंट करते थे, बीजेपी वाले भी नॉन इंप्लीमेंट करते हैं। कांग्रेस के राज में रिजर्वेशन इन प्रमोशन रद्द हुआ, बीजेपी के राज में भी खत्म हुआ। कांग्रेस के राज में भी उद्योगपतियों का फायदा होता था, बीजेपी के राज में भी उद्योगपतियों का ही फायदा होता है। नीति में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। अगर नीतियों में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो आपके भविष्य में परिवर्तन कहां से होगा? नीति में परिवर्तन होगा तो आपके भविष्य में परिवर्तन होगा। इस तरह से ये जो व्यवस्था में परिवर्तन आया कि एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण ही आएगा, तो पहले ब्राह्मण को गारंटी है कि हमारे नीतियों में दूसरा आने वाला ब्राह्मण कोई परिवर्तन करने वाला नहीं है। फिर भी हमें यह लगता है, वोटर्स को यह लगता है कि कांग्रेस को लाने से बीजेपी का राज बदल जाएगा। मुसलमानों को क्या लगता है कि कांग्रेस ठीक है, बीजेपी से कांग्रेस ठीक है, मुसलमानों का ऐसा अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के विरोध में क्या किया। 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों का प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन था 33%। कांग्रेस ने 70 साल में 57 साल राज किया और परसेंटेज आ गया मुसलमानों का 2.5%। जो 33% मुसलमान थे वो प्रशासन में से खत्म होकर 2.5% आ गए। शेड्यूल कास्ट के 0.5% थे 14 अगस्त 1947 को, वो 11% हो गए। शेड्यूल कास्ट के 0.5% थे वो 11% हो गए। मुसलमानों के 33% थे वो 2.5% हो गए। कांग्रेस ने काम किया। मुसलमान कहते हैं, मुसलमान सोचते हैं कांग्रेस बीजेपी से थोड़ी ठीक है। अटल बिहारी 99 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कुछ सीनियर आईएएस अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि मुसलमानों के विरोध में अगर हम कुछ करना चाहे क्या क्या कर सकते हैं। कहा कि कुछ नहीं कर सकते। कहा कि क्यों? अरे कांग्रेस ने कुछ रखा होगा तब ना करेंगे, कांग्रेस ने कुछ रखा ही नहीं है।
करने के लिए सब कुछ कर दिया तो अब बचा ही नहीं है कुछ, तो अब क्या करेंगे आप? अरे कुछ बचा होगा, कांग्रेस ने बचाया होगा तो आप करेंगे ना मुसलमानों के विरोध में, कुछ बचा के रखा ही नहीं। 65,000 फसादात कांग्रेस के राज में हुए, कई लाख मुसलमान मारे गए, तो कांग्रेस के राज में जब फसाद होते थे तो कांग्रेस पार्लियामेंट में या विधिमंडल में क्या कहती थी कि इसमें बीजेपी का हाथ है, इसमें जनसंघ का हाथ है, शिवसेना का हाथ है, बजरंग दल का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। तो मेरा यह कहना है, अरे हाथ है, सरकार तुम्हारी, होम मिनिस्ट्री तुम्हारी, सीआईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, तुम खुद ही कह रहे हो हाथ है, अबे तो पकड़ ले ना। हमको काय को कह रहा है हाथ है हाथ है हाथ है, पकड़ ले अगर तेरे को माही मालूम है तो, पकड़ ले, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा, सबूत पेश कर दे, जेल में भेज दे, खत्म कर दे मामला, हाथ है हाथ है हाथ है हाथ है, अरे हाथ है हाथ है, पकड़ते नहीं है, जेल में डालते नहीं है। पूछो क्यों नहीं डालते, बोलेंगे कि जेल में डालेंगे तो अगली बार फसाद कौन करेगा। अगर हम ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे तो अगली बार फसाद कौन करेगा, और अगली बार फसाद नहीं करेगा तो मुसलमान इनसिक्योर कैसे होगा। मुसलमान इनसिक्योर नहीं होगा, असुरक्षित नहीं होगा, तो एक गट्ठा वोट हमको कांग्रेस के कैसे देगा। डराना होगा ना मुसलमानों को, तब तो मुसलमान हमें वोट देगा, बगैर डरा के तो मुसलमान वोट हमको देने वाला नहीं है, तो डरा के रखना पड़ता है। इसलिए तो जोर जोर से हम चिल्लाते हाथ है हाथ है हाथ, नहीं है तो भी बोलते हाथ है। तो मैं आप लोगों को कुछ तथ्य पेश कर रहा हूं, ये माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट है। 65,000 फसादात आजाद भारत में हुए और कई लाख मुसलमान मारे गए। आज के इंडियन एक्सप्रेस का आप लोगों ने किसी ने पढ़ा, सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर था, उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बयान दिया कि आमी कांग्रेसच्या लोकांचे हात मुसलमानांच्या हत्तेनी लाल झालेले आहेत, आम्ही अनेक मुसलमानांना मारलेला आहे। काँग्रेस पार्टीनी ज्या व्यक्तीला फॉरेन मिनिस्टर बनवलं सलमान खुर्शीद, त्याचं आज स्टेटमेंट आहे की काँग्रेसच्या लोकांचे हात हे रक्तानी माखलेले आहेत मुसलमानांना मारून। ये किसी और ने नहीं, सलमान खुर्शीद फॉरेन मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी का, उसने आज का अखबार में बयान है। और माइनॉरिटी कमीशन के लोगों ने रिपोर्ट दिया, 65,000 फसादात कांग्रेस के राज में हुए, कई लाख मुसलमान मारे गए। ये तो माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट है, डाटा उनके पास है। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कांग्रेस के बारे में मुसलमानों की ये राय है कि बीजेपी से कांग्रेस थोड़ा ठीक है। थोड़ा ठीक है इसका मतलब ये है कि 65,000 फसाद कम हो गए हैं, थोड़ा सा और होने चाहिए, और कुछ लाख मुसलमानों को मारा जाना चाहिए। और बीजेपी वाले क्या करते हैं, आम मुसलमान को रेलवे में भरते हैं, रेलवे में धरते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, मार ठोक करते हैं, कभी कभी उसको मार देते हैं एक मुसलमान को। और कांग्रेस क्या करती है, मुसलमानों को व्यवस्था से, निजाम से खदेड़ देती है, व्यवस्था से हटा देती है कि मुसलमान पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए, मुसलमान आईएएस में नहीं होना चाहिए, मुसलमान आईपीएस में नहीं होना चाहिए, मुसलमान आईआरएस में नहीं होना चाहिए, मुसलमान जुडिशरी में नहीं होना चाहिए, मुसलमान मीडिया में नहीं होना चाहिए, व्यवस्था में कहीं पर भी मुसलमान नहीं होना चाहिए, और मुसलमानों को व्यवस्था से खदेड़ देना चाहिए। खदेड़ना समझते हो, चलो मैं किसान का बेटा हूं इसलिए खदेड़ने के बारे, खदेड़ना जो शब्द है उसका अर्थ बता, क्योंकि बहुत सारे शब्दों के आप लोगों को अर्थ मालूम नहीं है, खदेड़ने का अर्थ बताता हूं। हमारे पिताजी जो है वो अनपढ़ थे,
खेती में जानवर आते थे और फसल का नुकसान करते थे, तो हम तीन भाई थे, तो हमारे पिताजी हमको बोलते थे और हमारे तीनों के हाथ में डंडा देते थे और बोलते थे ये जो जानवर है ना, ये जानवर को दौड़ाओ दौड़ाओ, इनको दौड़ाओ और तुम उसके पीछे दौड़ो, तीनों के तीनों अकेले में दौड़ा, तीनों के तीनों दौड़ो और 4-5 किलोमीटर तक उनको दौड़ाओ और तुम भी उसके पीछे पीछे दौड़ो, 4-5 किलोमीटर तक उनको खदेड़ दो, खदेड़ने के बाद वापस आओ। अब आया होगा थोड़ा समझ में खदेड़ने का मतलब अर्थ। तो ऐसा दौड़ा दौड़ा कर जब जानवरों को बहुत दूर तक खदेड़ा जाता है, इसलिए कि दूर खदेड़ने के बाद जानवरों को ऐसा लगता है कि अरे ये खेती में जाना जरा खतरनाक है, तो दोबारा खेती में नहीं आते हैं। तो जानवर जो है उसको खदेड़ने का एग्जाम्पल आपको बताया कि मुसलमानों को कांग्रेस ने व्यवस्था से खदेड़ा, बीजेपी क्या करती है, बीजेपी व्यवस्था से खदेड़ने का काम नहीं करती है। एक साधारण मुसलमान को जो मेट्रो में ट्रैवलिंग कर रहा है या लोकल गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहा है, उसको 10-5 लड़कों ने पकड़ लिया, पीटा, मारा, मार दिया और उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में डाल दिया, तो सारे देश भर में फैल जाता है, तो लोगों को क्या लगता है, अरे बीजेपी बहुत ज्यादा, ऐसा तो कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस जो है किसी मुसलमान को पकड़कर नहीं मारती है, मगर कांग्रेस ने क्या किया, सारी व्यवस्था से जुड़ी, पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट से कम 86 मेंबर पार्लियामेंट मुसलमानों के होने चाहिए, 22 है और वो 22 भी संख्या है, कोई मुसलमान पार्लियामेंट में बोलता नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने बोलने पर पाबंदी लगा रखी है। कांग्रेस ने केवल मुसलमानों के बोलने पर पाबंदी नहीं लगाई, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के जो एमएलए एमपी है उन पर भी बोलने पर पाबंदी लगाई, बोलने नहीं देती। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, गुजरात में हीरालाल परमार नाम का एक मेंबर पार्लियामेंट थे, 82 में रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन हुआ तो बहुत सारे लोगों के घर जले, उसने फोटोग्राफ इकट्ठा किया, दिल्ली गया, पार्लियामेंट में तो था ही वो, इंदिरा गांधी को मिला, इंदिरा गांधी को फोटोग्राफ दिखाया, इंदिरा गांधी सहानुभूति दिखाई कि परमार जी आपके दुख तकलीफ में मैं सहभागी हूं, तो हीरालाल परमार का हौसला बढ़ गया, उसने इंदिरा गांधी को कहा कि इंदिरा जी मैं पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। इंदिरा गांधी सतर्क हो गई और इंदिरा गांधी ने हीरालाल परमार को कहा, परमार जी पार्लियामेंट में कौन बोलना चाहिए कौन नहीं बोलना चाहिए मैं निर्धारित नहीं करती हूं, पार्लियामेंट्री बोर्ड है कांग्रेस का, संसदीय दल का, वो निर्धारित करते हैं। अब सारे देशवासियों को मालूम था कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस के या इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में अखबार वाले लिखते थे कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में एक पुरुष है, उस पुरुष का नाम इंदिरा गांधी है, बाकी सारी महिलाएं, वो पत्रकार लोग लिखते थे कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में एक पुरुष है, उस पुरुष का नाम है इंदिरा गांधी और बाकी सारी महिलाएं। तो कांग्रेस के पार्टी में इंदिरा गांधी के अलावा किसी का कुछ नहीं चलता था, मगर इंदिरा गांधी को लगा ये हीरालाल परमार पार्लियामेंट में बोलेगा तो हंगामा हो जाएगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने उसको बोलने के लिए अलाउ नहीं किया, बल्कि अपने पार्टी के लोगों को इसको रोकने के लिए कहा। जब उसको बोलने नहीं दिया गया तो लोकसभा के सभापति के पास गया, उसके चेयर के पास गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया। जब उसको बोलने नहीं दिया गया तो उसके पैकेट में फोटोग्राफ्स रखे थे, वो फोटो के दोनों हाथ से फोटो निकालकर सारे पार्लियामेंट में भिड़का दिया। दूसरे दिन अखबार में खबर आई, इंदिरा गांधी ने हीरालाल परमार को कांग्रेस पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया, दोबारा किसी भी शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट में बोलने की कभी हिमाकत नहीं की। हीरालाल परमार के बाद फिर किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, बंद हो गया। इसका मतलब है 10-15 लाख 20 लाख की संख्या का जो मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाता है,
वो चुनकर जाने वाला जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, उनको उन्होंने गुलाम बनाकर रखा। यदि उनको आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने गुलाम बनाकर रखा तो ब्राह्मणों की नजर में आप लोगों की कोई औकात है? आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बोलने नहीं देते आप लोगों की कोई औकात है ब्राह्मणों की नजर में? वैसे भी उनके धर्मशास्त्रों में आप लोगों को इंसान थोड़ी माना हुआ है। तो ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसे लोगों का राज भारत की व्यवस्था पर काबिज हो गया है, सारी व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा, चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा, सारी व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा। और अगर कांग्रेस की पार्टी चली गई तो फिर बीजेपी आएगी, फिर ब्राह्मणों का कब्जा, एक ब्राह्मण जाएगा तो भी ब्राह्मण का कब्जा खत्म नहीं होगा, फिर दूसरा आएगा। यानी ब्राह्मण का कब्जा परमानेंट हो गया है। चुनाव में पार्टी में परिवर्तन होगा, ब्राह्मणों का व्यवस्था पर कब्जे में परिवर्तन नहीं होगा। ये है परिवर्तन, ये बदलाव भारत की व्यवस्था में आया है। चुनाव में पार्टी के नाम में परिवर्तन होगा मगर भारत की व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आपके जीवन में केवल सत्यानाश आने वाले समय में लगातार होता रहेगा और इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। जो भयंकर तब्दीली भारत के व्यवस्था में आ चुकी है, इसके बारे में भारत में कोई भी आदमी आपको विश्लेषण करके डाटा के साथ इस खबर को बताने का काम नहीं कर रहा है। मीडिया हाइड करने का काम कर रहा है, मीडिया छुपाने का काम कर रहा है। मीडिया उन्हीं लोगों के कब्जे में है। दिल्ली में योगेंद्र यादव ने सर्वे किया तो ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के पत्रकार 97%। दिल्ली में 97% पत्रकार, तो इसका मतलब मीडिया में कब्जा हो गया। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये जरूरी है तो हम लोगों को इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करनी होगी। परिवर्तन यात्रा इसीलिए निकाल रहे हैं। अब इसमें परिवर्तन लाने के लिए क्या करना होगा? ये तो भयंकर परिस्थिति है। और मुझे जहां तक मेरे पास जो जानकारी है, ज्ञान है और अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बदलाव आया है वो बदलाव बदलने के लिए क्रांति की जरूरत है और चुनाव के द्वारा इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। जहां तक मेरे पास जानकारी, ज्ञान और अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं। इतना भयंकर परिवर्तन भारत की व्यवस्था में आ चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए हमको क्या करना होगा। तो ब्राह्मणों ने, जिनकी संख्या 3.5% है, लोकतंत्र के अनुसार, संविधान के अनुसार ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, कब्जा अनियंत्रित हो गया है। लोकतंत्र में किसी के पास भी दुनिया में अनियंत्रित सत्ता नहीं होती है। जो सत्ता में होता है लोकतंत्र में, उसके नियंत्रण में भी सत्ता अनियंत्रित नहीं होती है। उसके ऊपर विरोधी पार्टी का नियंत्रण होता है। जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो पार्लियामेंट में विरोध, जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो कैसे गलत काम कर रहा है वो पार्लियामेंट में उसके विरोध में हंगामा खड़ा करती है और उसके गलत व्यवहार पर नियंत्रण करती है। लोकतंत्र में किसी के पास भी अनियंत्रित सत्ता नहीं होती है, मगर भारत में ब्राह्मणों के पास अनियंत्रित सत्ता है, क्योंकि उसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही का क्या मतलब है? कि अगर कोई गलत काम कर रहा है
तो उस पार्लियामेंट में उसको कोई सवाल पूछेगा तब तो जवाबदेही होगी, सवाल ही नहीं पूछा जाएगा तो जवाबदेही कहां से होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, निजीकरण शुरू किया और एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है संविधान के अनुसार जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण निजीकरण से खत्म हो गया। अगर कांग्रेस ने ये किया तो बीजेपी को पार्लियामेंट में सवाल पूछना चाहिए, बीजेपी सवाल पूछती नहीं है। और अगर बीजेपी आती है, बीजेपी भी यही काम करती है, तो कांग्रेस को सवाल पूछना चाहिए, कांग्रेस भी सवाल नहीं पूछती है। इसका मतलब है सवाल पूछा जाएगा तब तो अकाउंटेबिलिटी होगी, तब तो जवाबदेही होगी, तब तो जवाब देना होगा। सवाल ही नहीं पूछा जाएगा तो कोई जवाब देगा क्यों? सपने में आता है क्या उसको सवाल? तो जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसको कहते अनियंत्रित सत्ता, जिसमें उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अब इसमें परिवर्तन लाने के लिए जो कोशिश हम लोगों को करनी होगी वो कोशिश क्या करनी होगी, तो ब्राह्मणों ने, अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने लोकतंत्र में संविधान जहां लागू है वहां पर अल्पसंख्य लोगों का बहुसंख्य लोगों पर राज नहीं हो सकता, मगर हो गया, नहीं हो सकता मगर हो गया। हो गया तो क्या वजह है? एक वजह, पहले नंबर की वजह कि हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं है, हम बांटे हुए लोग हैं, हम बटे हुए लोग नहीं है, हम बांटे हुए लोग हैं। ब्राह्मणों ने हमें बांटा है। ब्राह्मण की जाति की संख्या 130 करोड़ में 5 करोड़ है और हम 6000 जाति के टुकड़ों में बटे हुए 100 करोड़ लोग हैं। ब्राह्मणों की संख्या 5 करोड़, हमारी संख्या 100 करोड़। हमारी संख्या 100 करोड़ है मगर 100 करोड़ लोग 6000 टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए एक टुकड़े का एवरेज हिस्सा लाखों में आता है। तो साइकोलॉजिकली अगर हम ब्राह्मणों से मुकाबला करना चाहते हैं तो हम लाख में हैं और वो 5 करोड़ में हैं। तो पहले तो हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है कि भाई उनकी संख्या बहुत ज्यादा है नहीं, मगर हम अपने जाति को ही अपनी संख्या मानते हैं, सारे 6000 जाति के लोग अपने हैं ऐसा हम नहीं मानते, हम केवल अपने जाति को अपना मानते हैं। ब्राह्मणों ने आजादी के आंदोलन में यह प्रचार किया था कि अंग्रेजों की एक पॉलिसी है वो है डिवाइड एंड रूल, यानी विभाजित करो और राज करो। बात सही है, अंग्रेजों की नीति तो थी, मगर अंग्रेजों ने लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटा था, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में बांटा था, मगर ब्राह्मणों ने हमें 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। कौन खतरनाक है बांटने का ही सिद्धांत अगर आधार माना जाए तो? 2002 संख्या से आप 6000 को भागाकार करो तो आंकड़ा कितना आएगा? 3000। तो ब्राह्मण अंग्रेजों के मुकाबले में 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण अंग्रेज भी खतरनाक है मगर ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अंग्रेज भी बांटते थे, ब्राह्मण भी बांटते थे। अंग्रेज बहुत बाद में अंग्रेज से आए, 2500 साल के बाद अंग्रेज आए, 2500 साल पहले अंग्रेजों के ब्राह्मण आए, डीएनए के अनुसार यह प्रमाणित हो गया और ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। और बांटने का जो नियम है, बांटने की जो पॉलिसी है, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से सीखा। बांटने के सिद्धांत में अंग्रेज के गुरु ब्राह्मण है, इसलिए बांटो और राज करो का जो सिद्धांत है वो अंग्रेजों का नहीं है, वो ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों से अंग्रेजों ने सीखा, हमारे ऊपर लागू किया।
आजाद भारत में 6000 जाति के टुकड़ों को आपस में लड़ाकर आपस में भिड़ाकर 3.5% ब्राह्मणों ने भारत की समस्त सत्ता पर कब्जा कर लिया। लोकतंत्र के 4 पिलर है, विधायिका जहां कानून बनाया जाता है उस पर 2009 में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था, 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है। प्रशासनिक मशीनरी पर आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी 79.2% है, जुडिशियरी 97% ब्राह्मणों के और तत्सम ऊंचे जाति के कब्जे में है। मीडिया 4 प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्राह्मण बनिया के कब्जे में, प्रिंट मीडिया ब्राह्मण बनिया के कब्जे में, ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू मोसाराम बापू डोंगरे महाराज ओझा महाराज पाजा महाराज राजा महाराज अरियदर महाराज बचा कुचा महाराज, बहुत लंबी लिस्ट है इसलिए मैं एक ही शब्द बचा कुचा महाराज सब कवर हो गया। ये सारा ट्रेडिशनल मीडिया कब्जे में है। चौथा मीडिया होकल मीडिया 7500 बोली भाषा हम लोग बोलते हैं, सारे देश भर में बोली भाषा बोलते हैं, बोली को मान्यता सरकार में नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है। भंडारा मध्ये बोली भाषा कशी बोलली जाते हैं, बिचा बिचात कौन बोलते रे, बिचा बिचात हिंदी और मराठी को मिक्सर कर दिया, बीच बीच में क्यों बोलते हो तो मराठी में बिचा बिचात कौन बोलते रे, इसको बोलते बोली, ये भाषा नहीं है। तो ये जो 7500 बोली भाषा है, बोली को शासन में मान्यता नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा लिखता है, लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा है, और अगर सारा का सारा उनका कब्जा है तो ये कब्जा उन लोगों ने स्थापित कर लिया, अगर ये कब्जा उन्होंने स्थापित कर दिया है तो इसको बदलने के लिए, इसको परिवर्तित करने के लिए हम लोगों को 6000 जाति में टुकड़ों में बांटे हुए लोगों को जगाना होगा, फिर जोड़ना होगा। बांटे हुए लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा और उचित समय पर शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा, अक्लमंदी से उपयोग और प्रयोग करना होगा। ऐसा करने के बाद परिवर्तन आ सकता है, इसके लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, और इस परिवर्तन यात्रा के द्वारा महाराष्ट्र के 44,000 गांवों में जनसंपर्क और जनसंवाद का अभियान चलाया जा रहा है। अगर बॉम्बे में कोई मोर्चा निकालना है और एक गांव से अगर मान लो 10 लोग हम लेकर गए तो बॉम्बे में 44,000 × 10 440,000 लोगों का मोर्चा बॉम्बे में खड़े रहने के लिए कोई जगह है नहीं, तब तो आपके पास शक्ति होगी, तब तो आप कुछ करने लायक हो सकते हो। अगर तब आप करने लायक हो सकते हो तो तब आपको करना होगा, अन्यथा आप ये काम नहीं कर सकते। एक एक जाति के लोग, मान लो आदिवासी ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी अलग लड़ाई लड़ेंगे, ये अलग लड़ाई आदिवासी 250 साल से लड़ रहा है। जब मुर्शिदाबाद में पलाशी में अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई, सिराजउद्दौला के साथ अंग्रेजों ने परास्त किया और अंग्रेजी राज स्थापित हुआ, उसके बाद वो मालदा टाउन में नीचे उतरे, मुर्शिदाबाद से नीचे मालदा टाउन में, तो मालदा टाउन में आदिवासियों की बहुसंख्यक लोगों ने 1757 में अंग्रेजों का विरोध शुरू किया। 1757 फिर 1857 फिर 1957 और फिर 2007, 250 साल, उसके बाद 10 साल, तो 260 साल और 61वां साल शुरू हो गए। आदिवासी 261 ईयर से विरोध कर रहे हैं अकेले आइसोलेशन में, आजादी नहीं मिल रही। आदिवासियों की संख्या 7.5%, 7.5% लोग अकेले लड़ेंगे
सफल होने का सवाल नहीं। शेड्यूल कास्ट के लोग अकेले लड़ रहे हैं, उनकी संख्या 15%, नॉमिडिक ट्राइब के लोग 10-12%, एमबीसी के लोग 10-12%, ओबीसी के लोग 8.5%। आप लोगों को यही बताया गया ओबीसी 52%, मगर ओबीसी में कौन आते? ओबीसी में नॉमिडिक ट्राइब, ट्राइब को भी ओबीसी में डाल दिया गया, फिर उसके बाद एमबीसी, फिर उसके बाद ओबीसी, फिर जो एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्ट हो गए, मुसलमान हो गया, ईसाई हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, वो सारी जातियां मंडल कमीशन में डाल दी गई है, उससे बनता है ओबीसी का 52%। अगर समाज शास्त्र का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा चार बड़े सामाजिक समूह मंडल कमीशन में है। मंडल कमीशन में जो ओबीसी है वो कोई होमोजीनियस ग्रुप थोड़ी है, क्योंकि होमोजीनियस ग्रुप जैसे सारे शेड्यूल कास्ट अछूत है, होमोजीनियस है, वैसे सारे के सारे ओबीसी उसमें नॉमिडिक ट्राइब भी है, एमबीसी भी है, ओबीसी भी है, और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी है, होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि किसी के साथ न्याय करने के लिए उनके संख्या के अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। और अभी हमारे साथी गवारी जाति के लोगों के आरक्षण का एक मुद्दा है, उन्होंने बात किया, इसका केवल गवारी जाति का ही नहीं है, हमको हमारा हम जो बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा इस मुद्दों को उठा रहे हैं कि देश में आरक्षण के ऊपर बहुत आंदोलन हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति का बहुत नुकसान हो रहा है, उसको हमेशा के लिए खत्म करना होगा, तो उसका केवल एकमात्र उपाय है 100% रिजर्वेशन लागू करना होगा। और संख्या के अनुपात में अगर ब्राह्मण 3.5% है, ले 3.5%, खत्म कर ले भाई, झंझट खत्म कर ले, नहीं लेता है तो तेरे पिछवाड़े में लात मार के हमको तेरे को 3.5% देना पड़ेगा। मगर कैसे देंगे जब ये सारे बहुसंख्यक लोग इकट्ठा होंगे, सत्ता पर काबिज होंगे, संसद पर काबिज होंगे, तो फिर आपको अधिकार मिलेगा कि 100% रिजर्वेशन लागू करना है, मामला खत्म कर देना है। ब्राह्मण नहीं लागू, क्योंकि ब्राह्मण 3.5% है, मगर वो 60% पर काबिज रहना चाहता है, वो उसका पेट जो है वो बहुत बड़ा है, वो सारे लोगों का हजम करता है, डकार भी नहीं देता। डकार क्यों नहीं देता मालूम है? डकार देने से आवाज होती है, आवाज होती होने से ब्राह्मण को लगता है साला कोई जाग जाएगा, डकार देगा तो आवाज होगा, आवाज होगा तो कोई जाग जाएगा, जाग जाएगा तो बोलेगा ब्राह्मण मुर्दाबाद का नारा लगाएगा, तो डकार भी नहीं देता है, निगल लेता है, डकार भी नहीं देता है। तो हम लोग बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा इस बात के सिद्धांत के समर्थक है कि अगर 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए जो लोग हैं, इन लोगों को जगाकर जोड़ने का काम सबसे ज्यादा तेजी से हमको करना होगा। अगर कोई ये सोचता है कि हम अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, तो अभी 71 ईयर हो गया है, कामयाबी तो बात छोड़ो, 3.5% ब्राह्मणों ने हमें आपस में लड़वाकर हमके ऊपर सबके ऊपर काबिज हो गए, सबके सर पर बैठ गया ब्राह्मण, और वहां बैठकर टट्टी करता है। आप सब लोगों के सर पर बैठ गया, वहां बैठ के टट्टी करता है, कोई सुनवाई नहीं करता है। तो अंग्रेज तो कम से कम आपकी बात सुनते थे और कुछ करने की कोशिश करते थे, बल्कि ब्राह्मण ये करता है कि अच्छा तो तुम इकट्ठा होकर ऐसा करते हो, तो उसमें से दो चार को अलग बुलाएगा, तेरे को क्या चाहिए, ठीक है तू उससे उसके साथ मिल मत, तो अलग करने का और फिर लड़ाई झगड़ा लगाने का काम करेगा, देने की कोई बात नहीं, सारी बात सारा केक जो है उसके ऊपर खुद ही काबिज होने की बात करता है। आदिवासी लड़ेगा अकेला तो क्यों देगा वो, क्यों देगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात जो है खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ाता हूं। तो आदिवासियों को आज से 15 साल पहले भारत सरकार ने
जमीन के नीचे जो धन संपदा है सर्वे किया, सोना है, चांदी है, लोहा है, कई प्लेटिनियम है, यूरेनियम है, दुनिया भर की धातुएं हैं, बहुत महंगी महंगी धातुएं हैं। आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के जमीन के नीचे सारी धातुएं, उसकी कीमत आज से 15 साल पहले भारत सरकार ने निकाली थी, उसकी कीमत थी 11,000,000,000 करोड़। अगर किसी बीएससी मैथ के टीचर को कहा जाए गुरुजी जरा ये शून्य लगाकर आंकड़ा कागज में लिख कर बताओ, तो मास्टर बोलेगा पता नहीं साला कितना शून्य लिखना पड़ेगा। 11,000,000,000 करोड़। अरे इसका रॉयल्टी भी आदिवासी को मिलेगा तो हर आदिवासी करोड़पति हो जाएगा। मूलधन ना भी मिले, अगर रॉयल्टी रॉयल्टी मिलती है तो हर आदिवासी करोड़पति हो जाएगा। और 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का अगर आदिवासी में हिस्सा आ गया, अगर उसने बैंक में डाल दिया 1 करोड़ डाल दिया, मान लो 1 करोड़, तो महीने का 1,00,000 रुपए ब्याज मिलेगा। आदिवासी को काम धंधा थोड़ी करना पड़ेगा, 1,00,000 रुपया क्या करेगा, क्या खाएगा, 1,00,000 रुपए क्या करेगा, सोना खाएगा। इतना धन जमीन के नीचे है तो ब्राह्मण लोग आदिवासियों को जिनका सत्ता पर कब्जा है वो दे देंगे आदिवासियों को, इतना आसान तो है नहीं। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोगों को मिलजुल कर लड़ाई लड़ना होगा। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ब्राह्मण लोग भड़काकर मुसलमानों के विरोध में लड़ा देते हैं, फसाद हो जाता है। फसाद कभी हिंदू मुसलमान का नहीं होता है, फसाद एससी एसटी ओबीसी वर्सेज मुसलमान का होता है। फसाद कभी हिंदू मुसलमान का नहीं होता है, एससी एसटी ओबीसी वर्सेज मुसलमान का होता है। और दूसरे दिन अखबार में खबर छप कर आती है हिंदू मुसलमान का फसाद, और जब अखबार में खबर छप कर आती है तब एससी एसटी ओबीसी के लोग कहते हैं अच्छा तो हम हिंदू है, कल तक पता नहीं था हम हिंदू है। अखबार में पता चलता सो कि हम हिंदू है। हजारों साल पहले ब्राह्मणों ने, अगर ऋग्वेद पढ़ लो तो आपको पता चलेगा, ऋग्वेद में आपके बाप दादाओं को ब्राह्मणों ने नाम दिया, दैत्य, दानव, राक्षस, ये भी ब्राह्मणों ने नाम दिया है। फिर उन्हीं ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई तो आपके पुरखों नाम दिया शूद्र। फिर भोदत्त की हत्या किया तो कुछ को शूद्र बनाया, कुछ को अछूत बनाया, और कुछ लोग जंगलों में चले गए तो वो आदिवासी हो गए। तो अब आदिवासी को ब्राह्मण आदिवासी नहीं कहते, कहते वनवासी। अपन वनवासी को नाल मंद माता एखाद्याला आई बाप नसला काय वनवासी पोर गाय रे काय दया येते रे याच्यावर है आपण म्हणतो का नाही गाव खेड्यामध्ये काय वनवासीसारखा पोर गाय रे आई नाही माई नाही बाप नाही। तो इस तरह से ब्राह्मण लोग आदिवासी को आदिवासी नहीं कहते, वनवासी कहते। वनवासी शब्द का एक अर्थ होता है जंगल में रहने वाला जंगली, वनवासी, वन मध्ये जंगल, जंगलात राहणारा जंगली, जायला का शिवा देऊन राहिला आहे, जंगलात राहणारा जंगली म्हणजे माणसाला अशा पद्धतीनं ट्रीट करण्याचं काम या लोकांच्या माध्यमातून होते। आदिवासीला आदिवासी म्हणत नाही, देणे घेण्याचा मुद्दाच नाही। आज त्याच ब्राह्मणांनी काय केलंय, एससी एसटी ओबीसीला म्हटलं नाही तुम्ही हिंदू, अरे पण आम्ही हिंदू आहोत की नाही आहेत आम्हाला डिसाइड करू द्या ना। लोकशाहीमध्ये आत्मनिर्णयाचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असतो, ज्याने त्याने आपल्या भवितव्याचा निर्णय घ्यायचा असतो। पण आम्हाला सांगितलं जाते लोकशाही आहे, पण आत्मनिर्णयाचा अधिकार कुणीही आम्हाला दिलेला नाही। आम्हाला आमच्या भवितव्याच्या बाबतीमध्ये की आम्ही हिंदू आहोत किंवा नाही आहोत हे ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, परंतु हा ठरवण्याचा अधिकार सुद्धा ते द्यायला तयार नाही आहेत। लिंगायत म्हणतात आम्ही हिंदू नाही आहोत, ब्राह्मण म्हणतात नाही नाही तुम्ही हिंदू जात, अरे जायला जबरदस्ती है? ते स्वतः म्हणतात आम्ही हिंदू नाही, तुम्ही जबरदस्तीच। याचा अर्थ असा
की या देशामध्ये जर एखाद्या व्यक्तीवर जबरदस्ती केली जात असेल तर आपल्या इंडियन पिनल कोड नुसार त्याला बलात्कार म्हणतात. जबरदस्ती करणे म्हणजे बलात्कार करणे, म्हणजे या लोकांच्या मौलिक अधिकारांवर बलात्कार करण्याचा प्रकार आहे हा. आणि हे बलात्कार करण्याचं काम ब्राह्मण करून राहिलेत. तेव्हा ह्या सर्वाच्या विरोधामध्ये आपल्याला 6,000 जातीमध्ये विभाजित करण्यात आलेल्या या सर्व लोकांना आपल्याला एकत्रित केलं पाहिजे. पण एकत्रित करण्याच्या अगोदर जागवलं पाहिजे, नंतर एकत्रित केलं पाहिजे. एकत्रित केल्यानंतरच परिवर्तन होऊ शकते, अन्यथा परिवर्तनाचा दुसरा कुठलाही मार्ग अस्तित्वात नाही. तुम्ही जर असं म्हणालात की आम्ही हत्यार घेऊन यांच्याबरोबर लढू, पण हत्यार त्यांच्याजवळ जास्त आहेत, ब्राह्मणांजवळ हत्यार जास्त आहेत. कशी? त्यांच्या नियंत्रणात मिलिटरी आहे, त्यांना सरकारी स्तरावर हत्यार वापरण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही जेव्हा हत्यार वापरता तेव्हा तुम्ही नक्षलवादी, तेव्हा तुम्ही आतंकवादी. आणि सरकार तुम्हाला मारण्यासाठी जेव्हा हत्यार वापरते तेव्हा सरकार म्हणते देशाच्या सुरक्षेसाठी, देशाला एक संघ ठेवण्यासाठी, देशाचं विभाजन वापर थांबवण्यासाठी आम्हाला लोकांना ह्या मारावं लागते. काय करणार, त्यांच्याजवळ जास्त हत्यार आहेत. तेव्हा हत्यारानं लढाई लढणं शक्य नाही. आपल्याजवळ जनसंख्या जास्त आहे, ब्राह्मणांजवळ जनसंख्या कमी आहे. जास्त जनसंख्येच्या लोकांनी एकत्रित येऊन जर लढा पुकारला तर हा लढा जनआंदोलनासारखा होईल. जनआंदोलनाने तुम्हाला मुक्ती मिळेल, जनआंदोलनाने तुम्हाला स्वातंत्र्य मिळेल. जनआंदोलनाशिवाय आता कुठलाही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. त्यासाठी या 6,000 जातींच्या लोकांमध्ये प्रबोधन करण्यासाठी, जागरण करण्यासाठी बहुजन क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून ही परिवर्तन यात्रा, 42 दिवसाची परिवर्तन यात्रा, 44,000 गावामध्ये आम्ही कार्यकर्त्यांना सांगितलं की तुम्ही 44,000 गावामध्ये जाऊन मिटिंगा घ्या, लोकांना तयार करा. आणि हा प्रायोगिक प्रयत्न, 42 दिवस आम्ही सडकेवर आहोत, हा जो प्रायोगिक प्रयत्न झाल्यानंतर, एक्सपेरिमेंटल झाल्यानंतर 6 महिन्याची यात्रा आम्ही सुरू करू, कन्याकुमारी ते दिल्ली. 6 महिनेपर्यंत रस्त्यावर राहणार. आणि मग 6 महिन्याचा कार्यक्रम यशस्वी झाल्यानंतर 365 दिवस. जनतेला जागरण केल्याशिवाय कुठलंही मोठं परिवर्तन भारतामध्ये होणार नाही. ते करावं लागेल, त्यासाठी रात्रंदिवस प्रयत्न करावे लागतील. त्याशिवाय हे मोठं परिवर्तन होणार नाही. आणि हे परिवर्तन व्हावं आणि ते परिवर्तनाला तुमचं समर्थन मिळावं, त्यासाठी तुमच्यामध्ये जागृती यावी आणि देशातील परिस्थितीचं आकलन तुम्हाला व्हावं, त्यासाठी ही परिवर्तन यात्रा काढण्यात आलेली आहे. तुम्ही माझं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतलात, त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. आप लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं. आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद.